दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ गरम गरम अपडेट्स, मतलब कि आज की ब्रेकिंग न्यूज जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। पहली न्यूज है फ्लिपकार्ट की तरफ से। आप जानते हैं नया साल स्टार्ट हो चुका है, अब आपको नए साल में फिर से फ्लिपकार्ट पे सेल देखने को मिलने वाली है 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक। तो लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो क्या क्या आप परचेज करने वाले हैं। वैसे तो इस बार हमने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत बार सेल देखी है थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद, फिर से स्टार्ट हो जाओ शॉपिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है व्हाट्सएप की तरफ से। जो विंडोज फोन आते थे पहले उनको अब व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप भी कोई विंडोज फोन यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी आप यूज करना चाहते हैं तो अब टाइम आ चुका है फोन चेंज करने का। हमारा अगला अपडेट है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो का आपको क्वाड फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, ये एक पेटेंट फाइल किया है वीवो ने, ऐसा फोन आपको देखने को मिल सकता है। अब दिखने में मैं कहूंगा थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है जो ऊपर ये चार कैमरा आपको मिल रहे हैं, बाकी देखना होगा एक्चुअल में ये कैसा लगता है जब हम इसको यूज करेंगे, क्या हमें इसके साथ फंक्शनैलिटी मिलेगी, उसका हम वेट करते हैं। अगर यहाँ पर फ्रंट में क्वाड कैमरा है तो रियर में कितने कैमराज होंगे, सोचने वाली बात है। हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए 8 कैमराज टोटल फ्रंट और रियर मिलाकर। अब कैमरे की बात चल रही है तो बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है हुआवे की तरफ से। आपको हुआवे P40 Pro मिलने वाला है, ये तो आप सब जानते हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 7 कैमराज, मतलब कि फ्रंट में भी होगा ड्यूल कैमरा पंच होल वाला, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इस तरह का आपको मिल सकता है हुआवे P40 Pro, 5 कैमरे रियर में 2 कैमरे फ्रंट में। तो कैमरे का गेम तो बहुत तगड़ा चल रहा है, अब देखना होगा परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है इनके कैमरास की। P30 Pro तो टॉप क्लास का था, थोड़ा सा वेट करते हैं हम, सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में मुझे कमेंट्स में बताना कि आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो। हमारा अगला अपडेट है सैमसंग की तरफ से। देखो दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट देखने को मिलने वाला है, बट ये फोन कैसा होगा इसकी अब तक कोई भी इमेज सामने नहीं आई थी, अभी एक पिक्चर सामने आ चुकी है। इस तरह का डिजाइन हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट का, हालांकि यहाँ पर अभी ज्यादा कुछ तो क्लियर नहीं हो रहा। ये पता चल रहा है पंच होल डिस्प्ले होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ट्रिपल कैमरा सेटअप। कुल मिलाकर डिजाइन तो दमदार होने वाला है, प्राइस भी दमदार हो तो बात बन जाए। आपको क्या लगता है किस प्राइस पे आएगा सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट, बताना मुझे कमेंट्स में। मुझे लगता है 40,000 के आसपास। अब हम बात करते हैं ओप्पो के बारे में। ओप्पो की F सीरीज के न्यू स्मार्टफोन्स आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, इनका टीजर भी सामने आ चुका है। इसका नाम होने वाला है ओप्पो F15, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी नाम से ये फोन आ सकता है, तो फाइनली उसी नाम से आ रहा है ओप्पो F15, F15 Pro, ये दो फोन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे, क्योंकि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं जो ये ओप्पो की सीरीज रहती है F सीरीज, ये थोड़ी ओवर प्राइस रहती है, वैल्यू फॉर मनी हम इसको नहीं कह सकते। बाकी देखते हैं इस बार क्या धमाल होता है ओप्पो की तरफ से, इसका हम वेट करते हैं, क्या पता इस बार थोड़ा सुधर जाए। बाकी अगर हम रियलमी की बात करते हैं तो दो न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से। अगर हम बात करते हैं बजट फोन के बारे में तो रियलमी 5i जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। ये फोन रहेगा 7-8 हजार की रेंज का, जो आपको रियलमी 5 मिल रहा है उसका एक लाइटर वर्जन ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी क्या जरूरत थी ये बात समझ के बाहर है, क्योंकि जो आपको रियलमी 5 मिलता है सेम ऑलमोस्ट वैसा ही ये फोन आपको देखने को मिलेगा। अब किस बात का लाइटर वर्जन है ये हम देखेंगे फोन लॉन्च होने के बाद। मेरे अकॉर्डिंग रियलमी 5 का ही प्राइस कम कर देना चाहिए था इस फोन को लॉन्च करने की जगह पे, या फिर कुछ और नया मिलता इसमें तब कुछ बात समझ में आती। बाकी फिलहाल तो यही है, रियलमी 5i देखने को मिल जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। उसके बाद बात करते हैं रियलमी X50 के बारे में। इसकी भी कुछ डिटेल सामने आना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ चुकी है कि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्मल IPS LCD पैनल, सेम वैसा यहाँ पर होने वाला है जैसे कि हुआ था रेडमी के 30 के साथ। साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा यहाँ पर, और आपको मिल जाएगा IPS LCD पैनल स्नैपड्रैगन 765 के साथ। रियर में क्वाड कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का 4500mAh बैटरी के साथ। अब देखते हैं क्या हमें इसमें नया मिलता है और क्या इसकी प्राइसिंग रहती है। बोला जा रहा है इसका प्राइस रहेगा 22,000 के आसपास। बाकी देखना ये होगा जो इसका 4G वेरिएंट आएगा वहां पर आपको क्या नया देखने को मिलेगा, प्रोसेसर वहां पर कौन सा दिया जाएगा रियलमी की तरफ से। नाम उसका हो सकता है रियलमी X50 लाइट, ऐसे कुछ लीक सामने निकल के आ चुके हैं। उम्मीद ये है कि वहां पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G, लेकिन मैं अभी इसको लेकर कन्फर्म नहीं हूँ, जैसे कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा।
तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।